जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये 2500 क्वेश्चन जितने भी आप इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। जो 10 क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, हो सकता है इन 10 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। आने वाली वीडियोज में जो हम आपको और क्वेश्चंस बताएंगे, हो सकता है 2-3 उसमें से आ जाएं। जो हम आपको जितने क्वेश्चंस बताएंगे, हो सकता है उसी में सारे क्वेश्चन आ जाएं, या हो सकता है कि जो हम आपको बताएं इसमें से क्वेश्चन आए ही ना। प्रोबेबिलिटी हर चीज की है, लेकिन ये ज्यादा है कि हो सकता है जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और ये जीवनी है। ये किसकी जीवनी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये दो चीज़ जानिए, ये दो चीज़ें क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है और आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और इसकी जो विधा है वो है हमारी जीवनी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं किस युग से संबंधित हैं, ना कि किस काल से संबंधित हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन, ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ठीक है, ये एक रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको आपको बताना है किस विधा की रचना है। और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से हरिवंश राय जी की रचनाएं हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्न में से हरिवंश राय बच्चन जी की क्या कौन सी रचना है, तो आप इसको टिक करेंगे, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं और जो इसकी विधा है वो है आत्मकथा, यानी कि इन्हीं की क्या है, ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में और क्लास 10th में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी। ये वीडियो खासकर क्लास 12th वालों के लिए है, 10th में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 12th में इनमें से ज़्यादा ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है, यानी कि कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो राइट आंसर आपका होगा सरयू पार की यात्रा। 2-3 ऑप्शन आते हैं, जैसे सरयू पार की यात्रा, ये आपका पक्का आता है, ये तो क्योंकि राइट आंसर ही है। इसके बाद आता है मेरी तिब्बत यात्रा आता है, और 1-2 आपको ऐसे और दे देते हैं। और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सरयू पार की यात्रा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्लास 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। 10th में हो सकता है अगर आप रहे हो इसके 2 साल पहले, तो हो सकता है ये आया हो, और अगर नहीं है, यानी कि 10th में तो वैसे ही इस बार पास कर दिए थे, तो अगर आपने 10th का पेपर देखा होगा तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। पहला तो आपको इसमें आंसर मिल गया कि मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है, ये आंसर मिल गया, और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, निम्न में से छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार जी, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, और ये है आपका कहानी विधा की रचना। दोनों चीज़ों को आप याद करके रखिएगा, कौन सी विधा है किसकी रचना है, ये दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, ये छायावादोत्तर युग के 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन कौन सी रचना है, यानी किसकी रचना है, कौन सी विधा है, इसमें से 8 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौन है, तो एक आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग से संबंधित हैं। तो द्विवेदी युग से संबंधित हैं सरदार पूर्ण सिंह जी, इनके 6 वो हैं निबंध हैं, और इन्होंने 6 निबंध ही रचना की है, वो सारे 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, इनमें हो सकता है आगे आपको कुछ निबंध इनके देखने को मिल जाएँ। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं,
इसका हमने पोल डाला था अपने चैनल पर, तो उसमें कई लोगों ने कलम का सिपाही इसका राइट आंसर दिया था मुंशी प्रेमचंद। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है ये, क्या है जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की, इसकी रचना अमृत राय ने की है। अमृत राय बोलते हैं लोग कि मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे थे। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है लेकिन इसकी रचना अमृत राय ने की थी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंदुमती किसकी रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी, ये इंदुमती इनकी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सबको पता भी होगा ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पथ के साथी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। हमने यहाँ पर ब्रेकर में रेखा चित्र लिखा है और लिखकर काट दिया है, हमको लगता है ये रेखा चित्र है लेकिन हमने कई सारे गाइडों में देखा, कहीं पर इसको बोल रहे थे ये रेखा चित्र है, कहीं पर बोल रहे थे कि ये संस्मरण है। आपको कौन सा आपके स्कूल में पढ़ाया गया है या हमें कमेंट कीजिएगा। फिलहाल ये पूछता है पथ के साथी किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। 15 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत यानी कि यात्रा वृत्त आप जिसे बोलते हैं वो है आखिरी चट्टान। ये है 18वां क्वेश्चन रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो प्रेमचंद्र जी रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। और एक और आता है क्या कहते हैं, कई सारे ऑप्शन देते हैं जयशंकर प्रसाद, तो उसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, तो प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र जी हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, ईसा अल्लाह खां की, ये क्लास 10th में आता है पेपर क्वेश्चन, तो आपको ये पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम के लेखक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम आंसर देखते हैं नाभादास हैं अष्टयाम के लेखक। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का ये रचना है, इसको आप याद कीजिएगा। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद। भारत दुर्दशा के एक और लेखक हैं, भारत दुर्दशा दो किताबें बनी हुई हैं, तो अगले कौन हैं दूसरे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अगर भारतेंदु हरिश्चंद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं, तो अज्ञेय शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। 25वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, जो कि हिंदी गद्य का या आप बोल सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर है लाला श्रीनिवास दास। ये 25 क्वेश्चन है, फिलहाल हमने आपको कितना बताया 25, लेकिन कई कई क्वेश्चन के दो आंसर बताए, तो हमें लगता है 30 क्वेश्चन ये यहाँ पर आपका हो गया होगा। अभी इसका पार्ट 2 पार्ट 3 हमें लगता है पार्ट 5 तक ये वीडियो जाएगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम के टोटल 7 सेट बनते हैं और 7 सेट को हम देखेंगे तो 70 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 7 सेट 10 क्वेश्चन हर सेट में आएंगे तो 70 क्वेश्चन हो गए, तो 70 क्वेश्चन अभी तो हमने आपको 25 ही बताए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब में एक ही क्वेश्चन आएंगे, सब में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं सातों सेट में। आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका जिला कौन सा है, हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला अगर आप पार्ट चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो आने के बाद, वहां से आप देख सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।